सेप्टेम्बर मासको प्रोस्टेट क्यान्सर अवेरनेस मन्थ हिसाबले विश्वव्यापी पालन कराए। जनसाधारणको प्रोस्टेट क्यान्सर सम्पर्कले सविशेष तथ्य प्रदान गरिबा यहाँ प्रमुख उद्देश्य। तबे प्रोस्टेट एवं कर्कट रोगर कारण सम्पर्कले जानिबा आसन्तु विशेषज्ञको। प्रोस्टेट होचे गोटे ह्यूमन ग्लैंड जोटा कि हमर यूरिनरी ब्लैडर मूत्र सारणीर तळ भागरे नेक पटरे थाए, नेक को सराउंड करि थाए। सेटा गोटे इनवर्टेड कोन शेप रो ग्लैंड टे ग्रंथिटे जे कि सेमिनल फ्लुइड सिक्रेशन करे। सेमिनल फ्लुइड माने होचे से गोटे बॉडी फ्लुइड जोटा कि हमर स्पर्म को से नरिश करे एवं तार ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करि थाए। से जो पोजिशन तार थाए ब्लाडर नेक पार्ट्रे, तेणु प्रोस्टेट जदि हमर बढ़ी थाए कौन से कारण प्रोस्टेट बिनाइन हाइपरप्लासिया हो किंबा कौन सी कैंसरस ग्रोथ हो से सब हेले आमर यूरीन फ्लो रे कम होता है। यूरीन फ्लो कम होता है, बारंबार परिस्रा हवा, परिस्रा अटकवा, अधिक प्रेसर आसवा, यह सब सिम्टम्स आसी थाए। पुरुष मानी देखा जाता कर्कट रोग रही बहुविध संकटकारक एवं रोग आरंभ में प्रकाश पाई थाए किसी प्राथमिक लक्षण। लक्षण को अणदेखा कले रोगर जटिलता प्रकाश पाए और विभिन्न अंग को मध्य करिथाए कबलित। प्रोस्टेट कैंसर हबार मुख्य कारण होची कौन से कारण डीएनए डैमेज है बॉडी रे। जो डीएनए अच्छे डीएनए रे म्यूटेशन आसिले प्रोस्टेटर प्रोस्टेटर नॉर्मल सेल सब अबनॉर्मल सेल होती है, से सब असंतुलित अवस्था ग्रो करना प्रोस्टेट कैंसर फॉर्मेशन करते। प्रोस्टेट कैंसर हबार संभावना मुख्यतः जो मान ऊर्ध्वयस्क पुरुष मैंने 50 रु अधिक ऊर्ध्वयस्क पुरुष मैंने जो मानकर फैमिली हिस्ट्री अच्छी जो मानकर बापा भाई एमान कटी प्रोस्टेट कैंसर थाए किंबा जो मानकर जीन म्यूटेशन जर्म लाइन बीआरसीए 1 और 2 म्यूटेशन थाए से मानको प्रोस्टेट कैंसर होवार अधिक चांसेस थाए। जो मानकर मेदबहुलता थाए, जो मानकर हाई रेट माने हाई फैटी डाइट जमीती कि चर्बी जातीय खाद्य अधिक खाई था सामने चांसेस अधिक थाए। जो मानक अधिक अल्कोहल किंबा स्मोकिंग करते, जो मैंने अधिक रेडमिट जमीक पर्क है बीफ है ये सब जो मैंने सब कंजप्शन करते पाखे रिस्क अधिक था प्रोस्टेट कैंसर होवार पर्टिकुलरली ओल्ड एज्रे ही ये रोगटे आम पाई था। जदिओ भेरी रेयरली लेस देन 5% आम यंग एज्रे स्टिल केस देखु, बट नॉर्मली हाई एज ग्रुप ओल्ड एज हूँ गोटे रिस्क फैक्टर प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर सिम्टम्स आम जाणी रखा बहुत दरकार, कारण सिम्टम्स कहले प्रथम परिस्रा फ्लो कम आसवा, स्लोली परिस्रा जीव, बारंबार परिस्रा लगे, परिस्रा करिबा स्टार्टिंग रे आपनको अधिक प्रेशर करिबाकू पड़ुथिबो किंबा परिस्रा रे रक्त आसवा किंबा नो परिस्रा करले बेले जलपोड़ा हवा ये सब, तो परिस्रा ऑटोमेटिक हो जाउथिबो इनकंटिनेंस ताकू कहंती किंबा अर्जेंसी परिस्रा लागिले आपन अटकै पारिबेनि बहुत शीघ्र जीवाकू पड़िबो, ये सब होची आपनकर लक्षण। आउ जितेबले रोगटे आडभांस स्टेज को चली जाए सेतेबले से रोगटे बोन को नॉर्मली स्प्रेड हुए कमनली, तो से जगह रे हमर बोन पेन हबो जेंति बैक पेन हला किंबा अंटा पेन हबो, लेग पेन हबो, शोल्डर पेन हबो, डिफरेंट साइड रे तो बोन पेन हबो, सेटा होची हमर डिस्टेंट मेटास्टेसिस रो सिम्टम्स। ताकु छडी जदि लंग्स को स्प्रेड हला कासो हबा किंबा ब्लड आसीबा कासो रे किंबा पेन पेटो पेन हबा ए सब होची, ओजन कमिबा, खाइबा को इच्छा न होबा, दुर्बल लागिबा ए सब होची एडवांस रोगर लक्षण। लक्षण आरंभ रो विशेषज्ञक परामर्श रोगर उपसमहार को बहुगुणित करिथाय, किंतु रोगर उग्रता बढ़ी गले विभिन्न परीक्षा निरीक्षा करी चिकित्सा संपर्क रे चिंता करिथांती विशेषज्ञ। प्रोस्टेट कैंसर को शीघ्र जानिबा पई आमे टिके प्रोस्टेट स्क्रीनिंग विषय जानि रखिथिबा। प्रोस्टेट स्क्रीनिंग होउछि जे 55 वर्ष रु ऊर्ध्व पुरुष लोक मानक ठी आमे ब्लड टेस्ट करि परिबा। साधारण गोटे ब्लड परीक्षा अछि जोटा होउछि सेरम पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, से ब्लड टेस्ट करले आमे पीएसए लेवल जदि अधिक रहउछि नॉर्मल लेवल अधिक रहउछि ताले आमे सेही केस रे डाउट करिबा। जदियो पीएसए लेवल अधिक सबु केस रे प्रोस्टेट कैंसर हुए नहीं, बट स्टिल पीएसए नॉर्मली अधिक भी रही परिबो जदि हमर यूरिन इन्फेक्शन रहउछि किंबा कहारी जदि यूरिनरी कैथेटर लागि रहिछि ए सब केस रे भी पीएसए अधिक थाए। बट स्टिल जदि बहुत अधिक लेवल रहउछि बिना इन्फेक्शन रे बिना कैथेटर रे बिना किसी प्रोसीजर रे ताले आमे प्रोस्टेट कैंसर को अधिक डाउट रखिबा एवं ता पई कि आमे स्पेसिफिक टेस्ट करिबा। डायग्नोस्टिक टेस्ट जोटा कि आमे करबाक पड़े सेटा होची बायोप्सी, ट्रस गाइडेड बायोप्सी। ट्रस होची ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, एथिरे गोटे आम मल द्वार पटे गोटे ट्रांसरेक्टल गोटे अल्ट्रासाउंड प्रूफटे आम ता भितर इनसर्ट करना सेपटे गोटे निडल गाइडेड बायोप्सी करा जाए। से बायोप्सी करके आम कनफर्म कर जनकर प्रोस्टेट कैंसर अच्छी कि ना। थे आम ट्रस गाइडेड बायोप्सी से कैंसर को प्रूफ करने आम फर्दर स्टेजिंग वर्कअप करो स्तर में अच्छी जानापी आम स्कैन स्कैन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस टू स्टार्ट करी सीटी स्कैन किंबा एमआरआई एब्डोमेन पेल्विस किंबा आम पाखे पीएसएमए पेट सीटी स्कैन जोटा कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक गोटे पेट सीटी स्कैन
आमे अन्य केस रे नॉर्मली एफडीजी पेट सीटी स्कैन करी थाउ बट प्रोस्टेट केस रे आमे पीएसएमए पेट सीटी स्कैन करी थाउ एटा पर्टिकुलरली पीएसए पॉजिटिव ट्यूमर मान को पीएसए एबिड ट्यूमर मान को पाई तो प्रोस्टेट कैंसर पाई पीएसएमए पेट सीटी स्कैन आमे करी थाउ जो सुविधा आम स्टेट रे बहुत गुडे सेंटर रे अवेलेबल अछि तो पीएसएमए पेट सीटी स्कैन करी आमे प्रोस्टेट कैंसर रो स्टेजिंग वर्कअप करी थाउ जैसे रोगटे प्रोस्टेट्रे अच्छे ना पाखापाखी अर्गन यू नो सेमिनल वेसिकल जाइछि कि अलग ब्लडर पाखापाखी जाइछि कि रेक्टम को जाइछि कि तार पेल्विक नोड्स सब इनवॉल्व करिछि ना नाही किंबा से पेल्विस बाहर को रोगटे स्प्रेड हेछि कि कोनसी बोन को स्प्रेड हेछि कि लंग्स को लिवर को कि अन्य अन्य स्प्रेड जगह को किछि से इफेक्ट करिछि विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या रो प्रयोग बल रे चिकित्सा क्षेत्र रे घटिछि अनेक परिवर्तन तेबे हे कर्कट रोग चिकित्सा रे मध्य उपलब्ध अत्याधुनिक पद्धति आमे प्रोस्टेट कैंसर रो अर्ली स्टेज रे ट्रीटमेंट एवं एडवांस स्टेज रे ट्रीटमेंट दुटी अलग अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर रे आमे सर्जरी जोटे कि रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी सेटा ओपन प्रोसीजर अछि किंबा रोबोटिक प्रोसीजर अछि तो एबे रोबोटिक प्रोसीजर बहुत अवेलेबल हेलानी बहुत जगह रे रोबोटिक प्रोसीजर एडवांटेज होछि ब्लड लॉस कम रहिबो हॉस्पिटल स्टे कम रहे कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम थाए तेणु जदि भी सुविधा अवेलेबल होछि रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी एबे प्रिफर करा जाउछि आउ सर्जरी को छाड़ी आमे गोटे एडीटी ट्रीटमेंट करी थाउ एडीटी होछि एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी सेटा होछि गोटे मेडिसिनल ट्रीटमेंट जोथिरे कि आमे प्रोस्टेट होछि गोटे हार्मोन सेंसिटिव कैंसर जमती ब्रेस्ट कैंसर गोटे हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर सेमती फीमेल मानकर सेमती पुरुष मानकर प्रोस्टेट कैंसर होछि गोटे हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर तो एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी रे आमे मेडिसिन यूज करी थाउ जे आमर से मेल हार्मोन को सप्रेस करबा पई जोटा होछि टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक रहिले प्रोस्टेट कैंसर हेइथाय तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सप्रेस करबा पई आमे एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी यूज करी थाउ तेणु सर्जरी सहित आमे हाई रिस्क केसेस रे एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी यूज करी थाउ अप टू 2-3 इयर्स एटा होला अर्ली स्टेज रो ट्रीटमेंट एडवांस स्टेज रे आमे सर्जरी रो जदि अधिक किछ रोल नथाय मुख्य ट्रीटमेंट होची मेडिसिनल ट्रीटमेंट जोटा कि एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरापी आउ एबे ता सहित एडवांस रेडिएशन थेरापी मध्य यूज कर दरकार हेले लोकल साइट रे प्रोस्टेट साइट रे रेडिएशन हो किंबा जदि रोगटे एडवांस हेकिना बोन को स्प्रेड हेथिबो जदि कोनोसी वर्टिब्रल बोन को स्प्रेड हेकिना कॉर्ड कंप्रेशन हेथिबो से जगह रे एसबीआरटी करिबा कोनोसी कन्फर्मल रेडिएशन थेरापी करले से जगह रे सिम्पटम्स रिलीफ होइथाय पेन कमिबा किंबा नर्व इम्पेंडिंग फ्रैक्चर किंबा नर्व कंप्रेशन होबा को जाउथो से सब केस रे रेडिएशन करले समान को रिलीफ मिलिथाय किछ जण पेशेंट कोड बेना स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर हे जैथाय एवं तांकर मेरुदंड हाड़ को से सब स्प्रेड करिकिना से सुषुम्ना कांड को ताको कंप्रेस करिकि टाइप ऑफ लेग वीकनेस गोड़ वीक है जीवा चली बोली न पारिबा पेन होबा सीवियर पेन होबा से सब केस रे से स्पाइन को हमें वर्टिब्रल बोन को हमें रेडिएशन करले सो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले एवं पेशेंट भी बहुत केस रे चली पारु नथंती से माने सक्षम होंती चलीबा पई चलाबुला करि पारंती तापर हमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करथब एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी हो किंबा अन्य अन्य मॉलिक्युलर ट्रीटमेंट जेमते कि टारगेटेड थेरेपी हला किंबा इम्युनोथेरेपी हला एबे बहुत सिस्टमिक थेरेपी रे बहुत एडवांसमेंट हेलानी कैंसर मेडिसिन रे भी बहुत एडवांसमेंट हेलानी एबे आमे 2024 रे आमे प्रिसाइज ऑन्कोलॉजी विषय रे कथा होचे आगुरु जोटा कि आमे कैंसर मेडिसिन कहिले केमोथेरेपी ही भाबुथलु एबे केमोथेरेपी नो आमे एबे प्रिसाइज ऑन्कोलॉजी रे टारगेटेड थेरेपी इम्युनोथेरेपी सो मॉलिक्युलर टारगेट ड्राइवन थेरेपी आमे मॉलिक्युलर टेस्ट करुछु जीनोमिक टेस्टिंग करुछु सेथिरे आमे देखुछु तांकर को टारगेट अछि जमती कि जर्मलाइन ब्राका 1-2 जदि पॉजिटिव रहौछि ताले हम सेथिरे पार्प इनहिबिटर ओला परि ब्रुका परि निरा परि मॉलिक्युल गुडाय अछि ताको यूज करले रिजल्ट बहुत अधिक रहौछि पेशेंट अधिक दिन सर्वाइव करछन्ति कंपेयर टू केमोथेरेपी सो जोटी केमोथेरेपी रे आमे ट्रीटमेंट वर्षे एक्सपेक्ट करथुलु एबे टारगेटेड थेरेपी इम्युनोथेरेपी रे आमे 4-5 वर्ष रु ऊर्ध भी आमे आशा करुछु एवं प्रोस्टेट कैंसर स्पेसिफिक स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर भी आमे रोगी मानको लोक मानको बहुत अधिक वर्ष आमे तांको सर्वाइव करै पारुछु सो कौन सी कैंसर रो ट्रीटमेंट कहिले बहुत बड़ चैलेंजिंग टास्क आउ एटा गोटे बहुत बड़ चैलेंजेस रोगी पई रोगी रो परिवार वर्गको पई किंबा आमर डाक्टर हिसाब रे आमर रोल हो समस्तंको ट्रीटमेंट बायलेटरल प्रोसेस एटा मोर जेतिकी दायित्व फैमिली रोगींकर सेतिकी दायित्व ट्रीटमेंट अधेरेंस जे ट्रीटमेंट रो प्रोटोकॉल को फॉलो करबा ट्रीटमेंट को स्टार्ट करी ताको कंप्लीट करबा सेटा सेतिकी इंपोर्टेंट परिवार वर्गको मोर एतिकी सजेशन रहइबो जे आमे रोग रो कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करबा ट्रीटमेंट को आमे आधार करबा
ट्रीटमेंट रिलेटेड किसी भी डाउट रोचे जे रोग विषय जानवा रोगर ट्रीटमेंट विषय जानवा तार साइड इफेक्ट विषय जानवा केमी कौन फॉलोअप पैटर्न रखा पड़ा कौ जिनसपाई आमको सतर्क होगा पड़ा ट्रीटमेंट टाइम से सबको आम ठीक से डॉक्टर को बुझा टाइम दबा एवं रोगी को टाइम दबा कहा रोग सब भयप्रद क्या भी रोग होवार रही संभावना और बेले बेले रोग चिकित्सा बाधक साजी थाए अर्थ तेरे कर्कट रोगर खर्च को अनेकांशे किसी सरकारी योजना एवं घर बीमा पक्षर मिली यथोचित सहयोग एबे स्टेट रे हॉस्पिटल मानक रे विभिन्न स्कीम अवेलेबल स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हो कि सेंट्रल स्कीम हो कि कौन से प्राइवेट स्कीम हो सब किसी स्कीम अवेलेबल अच्छी आ सब थे कैंसर ट्रीटमेंट पाई कि स्वतंत्र सुविधा दि जाऊँगी आउ कैंसर मेडिसिन हो कि सर्जरी हो कि रेडिएशन हो सब किसी सुविधा अवेलेबल रोचे आउ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम रे भी आमर सब किसी बेसिक फैसिलिटी स्टार्ट कर सब किसी सुविधा अवेलेबल अच्छी डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप कि कौन पैलेटिव केयर भी सब किसी सुविधा आम पाखे अवेलेबल रोचे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो कि पैलेटिव ट्रीटमेंट हो सर्जरी रेडिएशन केमोथेरापी टारगेटेड थेरापी सब किसी अवेलेबल रोचे एवं तापर भी आम ट्रांसपोर्ट सुविधा भी रोचे जमीक ट्रेन में जी आसवा कैंसर रोगी अटेडेंट मानों पर फ्री रोचे तो आम पाखे भी से सुविधा रोचे आमर ट्रेन पास भी रोचे लोक मैंने आसुँच ट्रेन में आम सैन कले सब फ्री में जी आसवे फ्री में हो पारे तो सब किसी सुविधा उपलब्ध रोचे भय करानी एस पर्टिकुलाली जो मैंने कि रिमोट एरिया रोचे कनेक्टिविटी पुअर अच्छी जनईदे कौन से असुविधा नहीं आपड़ ट्रेन में जी आसवा फ्री में हो पारे आप स्कीम थे आप सबकि ट्रीटमेंट सुविधा करेंगे प्रिभेनसन इज बेटर दैन क्योर तेज बेल सवधान होगा संकट कारक गुड़ी जगि चल लक्षण गुड़ी अणदेखा करें तेज ही हार कर्कट आउ जीव मनीष प्रिभेनसन क्या जब देखा प्रोस्टेट कैंसर पर जो मर आम देखा जे फैमिली हिस्ट्री अच्छी बापा भाई मान कि प्रोस्टेट कैंसर आगुरी अच्छे से सतर्क रही है अर्ली एज जमीक नर्माल स्क्रीनिंग आम 55 वर्ष स्टार्ट कर 50 वर्ष पूर्व ब्लड टेस्ट पीएसए टेस्ट करेंगे रेगुलाली जदि के भी पीएसए लेवल अधिक रोचे तेज़े स्कैन करना किसी ना अल्ट्रासाउंड स्कैन टे कर देखिए मनिटर करेंगे और रेगुला फॉलोअप रही तापर है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जमीक ओबेसिटी स्मोकिंग अल्कोहल सब आम रिस्क फैक्टर रोचे से रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिविटी करवा बहुत जरूरी डेली आम 45 मिनट रू गोटे घंटा निजपाई दबा जरूरी ब्रिस्क वॉकिंग है कि रनिंग है कौन सी एक्टिविटी आम निजी एंगेज रखा मेदबहुलता को एवॉइड करवा मेदबहुलता गोटे कॉस्मेटिक जिनस नुह मेदबहुलता आम हेल्थ बहुत इंपोर्टेंट तो आम सब मेदबहुलता गोटे आम खाली भावे एपियरेन्स कि गेटअप कि कौन से लुक्स से नुह यहाँ आम स्वास्थ्यप बहुत जरूरी खाली कैंसर नुह कार्डिया डिजीज हो ब्लड प्रेशर सुगर कोलेस्ट्रॉल कैंसर सब जिनसपाई ये हूँ कारण तेणु मेदबहुलता को आम कंट्रोल करवा आम स्मोकिंग अल्कोहल ठू दूर रहा एवं कौन सी फैमिली हिस्ट्री थी आम सतर्क रहा सुषम खाद्य खावा नियमित व्यायाम करवा कुअभ्यास पड़ा ना चिंतामुक्त जीवन अतिवाहित करवा आउ कौन सी लक्षण को गोपन रखा ना तेज जी आम कहीपर जीवन जिंदाबाद।